गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आप लोग मज़े में नहीं हैं तो मज़े में हो जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए हाजिर है नंबर सिस्टम टाइप 10। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विक्रम पंडित है और मैं विक्रम ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री एवं कंपटीशन का क्लास लेता हूँ। और जो बच्चे गरीब हैं, जो कि बिल्कुल पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो मेरा कोचिंग ज्वाइन कर लें। मैं उसको फ्री में ट्यूशन दूंगा। आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस ये ठान लीजिए कि हमको जीवन में कुछ पाना है। अगर आप लोग जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिए, उनसे सीखिए और कॉपी में जरूर से जरूर नोट कीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम टाइप 10 दूंगा, जिसमें आप लोग मान ज्ञान करने सीखेंगे। कल मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। आज ये आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को लगे कि नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नंबर सिस्टम में और कौन सा टाइप छूट गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम टाइप 10। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू, तो 7 स्टार 5 का मान कितना होगा? तो सिंपल है, जस्ट हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट और राइट में देखते हैं। जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 स्टार 5, यानी एक्स का मान 7 है और वाई का मान 5 है। आप क्या कीजिए, राइट तरफ वैल्यू को पुट कर दीजिए। कर पाएंगे ना? उम्मीद है आप बिल्कुल कर पाएंगे। सिर्फ आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, सबसे पहले वह एक्स की जगह 7 रखिए, तो 7 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। वाई माइनस टू इंटू है वाई माइनस टू, वाई का मान कितना है 5, और 5 में 2 जाएगा कितना होगा 3, यानी 81 × 3 कितना हो जाएगा 243। और ये प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 243, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न टफ नहीं होते हैं, आपको जैसा कहा जाए वैसा करते हैं, आपका हल तुरंत मिल जाता है। इसलिए किसी प्रश्न को देखकर डरे नहीं, प्रयास करें कि वो ऑप्शन से होगा या ऑप्शन से नहीं होगा तो प्रश्न से होगा। ठीक है, समझ गए उम्मीद करें? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त हो, तो संख्या क्या थी? इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा बोलें कि ऑप्शन से बनावें। तो ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ बाय ऑप्शन, ऑप्शन से क्या करें, जैसा बोला। तो कोई भी संख्या मान लीजिए, तो मैंने बहुत बार इस तरह के प्रश्न बनाया है, इसलिए मैंने ऑप्शन सी ले लिया। जैसे ही ऑप्शन सी लिया वो संख्या क्या हो गई, 4। और जैसे यहाँ पे बोला कंडीशन में संख्या का 2 गुना, तो संख्या यानी 4 था, 4 गुना 2 और प्लस 20 कितना हो गया 28। ये कितना हो गया 28, जैसा कि यहाँ बोला गया। फिर वही चीज बोला, जो उस संख्या को यानी 4 को 8 से गुना करके, 4 को 8 से जब गुना करते कितना होता 32, में 4 घटा देते हैं तो कितना होता 28, यानी 28 इक्वल टू 28 हो गया। यानी आपका ऑप्शन 4 क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो क्या आप लोग समझे? जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक कंडीशन दिया रहता है, बस उस कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। और ये तभी आपको आएगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार कॉपी में बनाएंगे। तो आप लोग प्रयास करते रहेंगे, इस प्रश्न को बना लेंगे, कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पर पावर 91, 4 पर पावर 92 प्लस 4 पर पावर 93 प्लस 4 पर पावर 94 किससे विभाज्य? तो आपका ऑप्शन है 17 से 13 से 11 से और 3 से। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखने में ही बड़ा लगता है, लगता कि टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहला जो टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए। तो 4 पर पावर 91 जैसे ही आप कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बच गया 1, फिर 4 पर पावर 91 ले चुके हैं तो इसका मतलब 4 कॉमन बच गया 4 बच गया, और जैसे ही 4 पर पावर 91 लिए तो यहाँ पे 4 स्क्वायर बच गया, फिर 4 क्यूब बच गया, और भी रहता तो 4 पर पावर 4 बचता। जब हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो आपका आता है कितना 85, और 85 किस संख्या से कटता है 17 से।
कभी कभी आप लोगों को ऑप्शन में 17 नहीं रहेगा तो 5 भी रह सकता, कुछ भी आप करें। इससे अगर आपको कभी कभी ऐसा होगा इससे भी कॉमन ले लेना पड़ता है। तो जैसा प्रश्न में बोले आप वैसा ही कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, और प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिए, हमेशा खुश रहिए, दूसरे को खुश रखिए, और साथ ही साथ जो मैंने आज 3 प्रश्न बताया है उन 3 प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिले आप बिना डरे इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। आप हमेशा खुश रहिए, लगातार प्रयास करते रहें, हिम्मत ना हारें। साथ ही साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो चीज को आप पाना चाहते हैं उसे पाने में लगातार मेहनत करें, परेशानी को भूल जाएं, छोड़ छोड़ के मेहनत बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोड़ छोड़ के मेहनत करने से सफलता हासिल नहीं होता है। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए और देख करके फायदा जरूर उठाएं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करूंगा जो कि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, वो लगातार फॉर्म भरते रहें और मेरा वीडियो देख देख करके उन्हें उससे फायदा उठाएं, दूसरे को सब्सक्राइब करवा दें, साथ ही आप भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अभी अभी CGL का 2018 का फॉर्म निकल चुका है, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म जरूर भरें और मेरे वीडियो को देखें, वो लगातार बताएं कि किस तरह का वो चाहिए ताकि वो CGL निकाल सके। मैं जहां तक हो सके मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना रहें, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे तो मुझे भी परेशानी होगा। मैं हर लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन वो परेशानी तभी आपका खत्म होगा जब आप उस पे उस परेशानी को खत्म कर देंगे। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।